बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक से पहले मांझी ने नीतीश पर कैसा किया हमला? नीतीश कुमार और विपक्षी दलों की बैठक पर क्या कह डाला? विपक्षी पार्टियों की लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। इसी के तहत बेंगलुरु में बैठक होने वाली है। मंगलवार को विपक्षी पार्टियों के मुखिया और मुख्य नेताओं में से कई बेंगलुरु पहुंच चुके हैं, वहीं कई फिलहाल रास्ते में हैं। बैठक बेंगलुरु में है, लेकिन इसको लेकर पूरे देश की राजनीति गर्म है। इसी कड़ी में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया जीताराम मांझी ने न केवल नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा है, बल्कि इस बैठक पर भी जोरदार हमला किया है। सुनिए जीताराम मांझी ने क्या कुछ कहा है। देखिए, आंतरिक मामला उन लोगों का है, किसको कन्वीनर बनाते हैं न बनाते हैं उसमें हमको कुछ नहीं कहना है। रही बात नीतीश कुमार जी का, तो नीतीश कुमार अपने घर में महान फेलुअर साबित हुए हैं। चाहे करप्शन का मामला हो, विकास का मामला हो, फिजूल खर्ची का मामला हो, सोशल सेक्टर में गरीबों की तबाही का मामला हो, स्टूडेंट के जो छात्रवृत्तियाँ मिलती है उसको बंद कर दिया गया हो, लड़कियों को जो फ्री एजुकेशन देने की बात की गई थी उसको उन्होंने स्टॉप कर दिया हो, तो इस तरह से जहाँ तक शेड्यूल कास्ट का सवाल है, उनको 5 डिसमिल जमीन देने की बात थी उसमें फेलुअर हैं। वहाँ जमीन 1 बीघा खरीद, 1 एकड़ खरीद करके खेती लायक जमीन देने की बात थी, जब निर्णय लिया गया बिहार में तो बिहार में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है और झारखंड में आज इम्प्लीमेंट हो रहा है। किसानों को 5 एकड़ जमीन रखने वाले तक के बिजली बिल फ्री की बात थी, ये सब में वो फेलुअर हैं। और फ्यूल खर्ची तो ये हो रहा है कि हमारे उल्टी गंगा बहा करके हम हमारे गया में पानी लाना चाहते हैं, जिसका कि कोई अभी इफेक्ट नहीं पड़ा है। वहाँ इतनी गंदगी हो गई है कि कब बीमारियाँ फैलेगी कहा नहीं जा सकता है। और उसी प्रकार से पूरा नया म्यूजियम हाउस उन्होंने बनाया, और पुराना म्यूजियम हमारे पास है, हमने उसमें विरोध किया था, वहाँ का हाई कोर्ट ने भी कहा कि हाँ इसका कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पैसे खर्च हो गए थे इसलिए छूटे। अब तो और है, उसमें 225 करोड़ रुपया से शुरू किए थे और वो 3700 करोड़ रुपये पर अभी तक जा रहा है और अभी खर्चा ही है, और अब हो गया है 373 करोड़ रुपये की लागत से नया म्यूजियम से पुराना म्यूजियम तक अंडरपास बनाया जा रहा है। तो ये सब क्या है, गरीबों को पेंशन नहीं दे रहे हैं, मर रहा है वहाँ अगर 60 वर्ष 70 वर्ष के बाद 200 400 रुपया से क्या होने वाला है, जबकि राज्य के अगल बगल में 1000 रुपया दिया जाता है, 1500 रुपया दिया जाता है। तो इस तरह से वो वीक फेलुअर वहाँ पर हैं, और उनको अगर कन्वीनर बनाया जाता है तो उनके सद्बुद्धि को हम डाल देते हैं। तो सुना आपने, जीताराम मांझी सिरे से नीतीश कुमार को न केवल फेलियर बता रहे हैं, बल्कि यहाँ तक कह गए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अगर उन्हें संयोजक बनाया जाता है तो उन्हें संयोजक बनाने वाले बुद्धि का वो दाद देंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जब तक वो नीतीश कुमार के सरकार में थे तब उन्हें किसी तरह का फेलियर क्यों दिखाई नहीं दिया। वहीं नीतीश कुमार और विपक्षी दलों के लिए भी सवाल है कि क्या जीताराम मांझी आने वाले लोकसभा चुनाव में उनके लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। इस सवाल का जवाब आने वाले वक्त में मिलेगा, जिसके लिए इंतजार करना होगा। इस खबर में बस इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।